आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। अभी फोन पर चर्चा का विषय एक था, वो चर्चा का विषय कई बार जब कोरोना काल से पहले भी जब लोग आते थे तब भी कभी कभी बीच में चल जाती थी, लेकिन चूंकि आज हुई तो दोबारा से फिर से मन में एक बात उठी कि ये बात मैं सबको कहूँ। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरे कई लेख में आ चुका है, कई जगह पर क्या कहते हैं किताबों में छप चुका है बाकायदा, कि एक मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम गहरी बातें भी कर सके, तनाव बांट सके, जो सबसे बड़ी चीज है, खिलखिला के हंस सके, तनाव बांट सके, जिसके साथ हम प्रेम पा सके, जरूरत पे वो हमें सलाह दे, हमारे लिए प्रार्थना करे, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक और भी आती है कि वो कभी भी हमारे शब्दों को नहीं पकड़े, हमारे को ताना नहीं मारे, हमारे को क्या कहते हैं कहीं पर भी हमारी लेग पुलिंग ना करे, मतलब खिंचाई ना करे, खुले दिल दिमाग का हो, जिंदा दिल व्यक्ति हो, ऐसा मित्र मिले, वो चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, स्त्री पुरुष हो, कोई भी हो, कितना आनंद आएगा। लेकिन होता यह है कि ऐसा मिलना बहुत नसीब वालों को होता है, हर एक को नहीं होता, ये भाग्य की बात होती है, क्योंकि अच्छे माँ बाप मिलना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छी जगह जन्म लेना, आपका अच्छा आगे चल के कार्य होना, कुछ भी आप मान लीजिए कोई बहुत बड़े अफसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जो भी कुछ है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये अच्छे व्यापारी बनते हैं, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा पड़ोस, अच्छा स्थान, ये राज्य देश जो भी होते हैं, इसी प्रकार से अच्छा मित्र का मिलना, अच्छे रिश्तेदार मिलना, वगैरह वगैरह 10 तो मैंने गिना दिए, और ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे को मिलते हैं और कई इसमें से छिटकते रहते हैं। खासतौर पर जो हमारे को परिवार से अलग ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, खून से अलग भी, वो भी हमारे से फिर जुड़ते हैं छिटकते हैं, जुड़ते हैं छिटकते हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छा मित्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को किसी न किसी क्रिएटिविटी में लगाइए। मुझे मालूम है मनोविज्ञान क्या कहता है, क्रिएटिविटी में भी कई बार मन ऊब जाता है, महीने में 2-3 बार क्या कहते हैं एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है, अजीब सी स्थिति हो जाती है, लेकिन आप जितना अधिक जाप करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। अगर आप जाप नहीं कर पाते हैं, आपकी उतनी आस्था नहीं है, तो क्रिएटिविटी में भी कभी कभी आपका होता है, तो कोई बात नहीं, अब जो है सो है, आप आराम से बस शांत होंगे ऐसी जगह पर। केवल आपका अगर सही पूछूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका स्वाध्याय, पठन मनन चिंतन, आपका क्या कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका जप, आपका मेडिटेशंस, यही चीज़ है। इससे क्या रहता है, मन लगा रहता है, सही ढंग से व्यवस्थित जिंदगी चलती रहती है, और आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप बिल्कुल अकेले हो गए, आपको लगेगा कोई अदृश्य रूप में कोई है आपके साथ। इसी के साथ ही मंगल कामना, नमस्कार।